मैं महराज मलिक डीडीसी कैंडिडेट पारा कॉन्स्टिट्यूएंसी से। 22 तारीख को हमारा रिजल्ट आया, बहुमत के साथ लोगों ने मतदान किया, एक बहुत बड़ी जीत खुद के नाम की। लोगों की उम्मीदें महराज के ऊपर है और महराज की सोच अवाम के हक में। मेरा मकसद डेवलपमेंट है, मेरा मकसद करप्शन को खत्म करना है। कल यानी 28 तारीख को हलफ वफादारी होगी। महराज मलिक जो हलफ लेगा उस पर पूरा पूरा उतरने की कोशिश करेगा और उससे ज़्यादा अवाम के लिए जो भी कदम होगा, अवाम के हक के लिए कोई भी रास्ता इख्तियार करना पड़े, महराज मलिक आवाम के लिए कुछ भी करने को तैयार है। दुआ करना, कल से हमारी शुरुआत होगी। मैं चाहूँगा कि आने वाले 5 साल कहरा की आवाम के बेहतर हों और कहरा में जितने भी लोग हैं, पुराना क्या था एक नए की उम्मीद बेहतर करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है, चाहे कोई भी है किसी भी पार्टी से, मुझे पूरी उम्मीद है कि आवाम के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए, इलाके की डेवलपमेंट के लिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आवाम और रहनुमा मुझे पूरा पूरा साथ देंगे। अमन से चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, जंग नहीं चाहते। आराम के साथ अगर हमारे गरीबों के काम हो जाएं, गरीबों को उनका हक मिल जाए, उनको उनका रोज़गार मिल जाए, महराज की ख्वाहिश। मैं चाहता हूं कि कल से एक नई सुबह की आगाज़ होगी। कहरा कॉन्स्टिट्यूंसी के आवाम जिस चीज़ की ख्वाहिश लेकर आई है, जिस हकीकत को देखना चाहती है, उसकी शुरुआत कल से होगी। और मैं यकीन रखता कि पूरी आवाम मिलकर, कुछ लोग अगर 7,500 लोगों ने मुझे वोट दिया है, मैं सिर्फ उनके लिए हलफ नहीं लेने वाला। 20,000 आवाम जितने भी वोटर हैं उनके लिए मैं हलफ ले रहा हूं और पार्टी को छोड़कर, सियासत को छोड़कर आवाम की रहबरी करना चाहता हूं। इसमें मुझे हर एक इंसान का साथ चाहिए। अगर साथ होगा तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कहरा की तब्दीली आपको खुद देखने को मिलेगी। और जो इसके मुखालिफ खड़ा हो जाएगा, मैं समझूंगा कि वो आवाम का दुश्मन है, मेरा दुश्मन नहीं। ना मेरा कोई दुश्मन आज से पहले था, ना आज के बाद है, क्योंकि जो भी मेरे खिलाफ खड़ा होगा यो मान के चलूँगा कि वो मेरी आवाम का दुश्मन है। तो इंशाल्लाह कल के दिन का इंतज़ार रहेगा। कल हलफ वफादारी है और 1 तारीख को आवाम के साथ हलफ वफादारी लेना चाहूँगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब मिलकर इस कारवां को, इस काफिले को चलाएँ।